नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई के एक और बोगस डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। डॉक्टर हेमंत पाटिल नाम का बिना डिग्री वाला डॉक्टर करता था मरीजों के ऑपरेशन। मामला दर्ज होने का पता चलते ही आरोपी डॉक्टर हुआ फरार। वसई के पहाड़ा परिसर में एक प्राइवेट दवाखाना चलाने वाले बोगस डॉक्टर के खिलाफ वसई पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। डॉक्टर हेमंत पाटिल नामक बोगस डॉक्टर अपने आप को बड़ा हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताता था, जिसके पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं थी। आरोपी अपने क्लिनिक में तो मरीजों को देखता ही था, बल्कि स्पेशल विजिट पर दूसरे अस्पतालों में जाकर वहां के मरीजों की सर्जरी भी करता था, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आई है। वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग समिति आई वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर वसंत पाटिल ने कल इस बोगस डॉक्टर के खिलाफ वसई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके चलते वसई पुलिस ने मामला दर्ज किया। जैसे ही आरोपी बोगस डॉक्टर को अपने खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी मिली कि तुरंत आरोपी डॉक्टर फरार हो गया, जिसकी तलाश वसई पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सुनील वाडकर नामक बोगस डॉक्टर का खुलासा हुआ था और जिसके ऊपर विरार पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। सुनील वाडकर के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। सुनील वाडकर और उसकी पत्नी डॉक्टर आरती वाडकर के ऊपर और भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सैफ न्यूज लाइव। सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।